ये लड़कियों के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, ये लड़कियों के लिए उनका जॉब जब ऐसे पीक पे रहता है, उनको ग्रोथ दिखती है, सडनली उनको मैरिज का भी ख्याल आता है। तुम्हारा जो पैशन है वो फॉलो करना चाहिए। अगर तुमको जॉब करना मज़ा आता है तो तुमको किसने बोला है कि मैरिज करना ज़रूरी है? बट सोसाइटी का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, और तुमको लग रहा है कि मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है, मैं रह गई, ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो शादी होगी नहीं, और इसके लिए तुमको सही में डिफ़िकल्ट लगती है कि क्या करना है। अभी अगर तुम मैरिज करोगी तो तुम खुश नहीं रहोगी, और तुम जॉब करोगी तो लोग तुमको खुश नहीं रहने देंगे। अभी तुमको देखने का है कि लॉन्ग टर्म में तुमको क्या चीज़ मज़ा आएगा। एक है शॉर्ट टर्म का मज़ा, एक है लॉन्ग टर्म का मज़ा। अगर लॉन्ग टर्म में तुमको लग रहा है कि तुम मैरिज के लिए तैयार हो और अर्निंग की इतनी कोई ख़ास बात नहीं है, जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो भी फाइनेंशियली वेल ऑफ है, तो फिर ज़रूरत है तुमको जॉब करने की। और लग रहा है कि अभी जो मेरी अर्निंग हो रही है, जो भी अर्निंग हो रही है, और शादी करने वालों को एक्सपेक्टेशन है कि ये अर्निंग भी हमको साथ में आवे, और अगर तुम सिटी चेंज करना पड़ता है, यू नो जॉब छोड़ना पड़ता है, तो तुम फ्रस्ट्रेटेड होगी। और पैसा आज की नीड है, यू नो अगर आप पैसा कमाते हो और इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट घर ले सकते हो तो मैं बोलूँगा शादी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जॉब को रखते हुए, सिटी को नहीं चेंज करते हुए अगर तुम्हारी शादी होती है तो कुछ गलत नहीं है, और नहीं तो मैरिज को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। और किसको मालूम मैरिज चलने वाली कि नहीं चलने वाली। 50% मैरिजेज डाइवर्स होते हैं आज के दिन, 50% मैरिज। और अगर लड़की इंडिपेंडेंट है या उसके घर वाले पैसे वाले हैं तो ज़्यादा चांसेस है डाइवर्स हो जाए। और बाकी जो 50% चल रही है, क्या वो लोग खुश है ऐसा मत समझो, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो मैरिज के लिए अगर तुमको काम में मज़ा आ रहा है तो काम छोड़ना नहीं चाहिए, और काम में मज़ा नहीं आ रहा है, सैलरी भी मीडियोकर सैलरी है, तो उससे अच्छा है कि यू नो शादी कर लो। एक ये भी पॉइंट है कि तुमको जो भी सोचना है तुमको 24 घंटे में डिसाइड करना है। तो ऐसे नहीं हो कि आज सोच रही हो जॉब करूंगी, शादी का प्रपोजल आ जाता है, 6 महीने तुम सोच नहीं पाती हो, बाद में मालूम पड़ता है शादी का प्रपोजल भी चला गया। क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आती है और अपॉर्चुनिटी सब आके चली जाती है। तो तुमको जो भी डिसीजन लेने का, फास्ट डिसीजन लेने का है कि तुमको खुशी क्या चीज़ मिलेगी। इम्पॉर्टेंट है तुमको खुशी क्या चीज़ मिलेगी। अगर तुमको लगता है शादी करके तुमको खुशी मिलेगी, तुम शादी करो। तुमको लगता है तुमको जॉब में मज़ा आता है और फिर तुम घर बैठती हो, घर का माहौल अलग माहौल रहता है, सास का माहौल, ननद का माहौल, तुमको उधर भी कुछ काम करना है बट वो काम करने में तुमको मज़ा नहीं आएगा, उनकी सेवा करनी है, खाना बनाना है, और तुम जॉब करती हो सकता है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो और तुम उधर लीडर हो, तो लीडरशिप का जॉब छोड़ के कभी भी तुम घर के खाने बनाने में उस समय लगती हो तो तुम फ्रस्ट्रेटेड होगी, और फ्रस्ट्रेटेड औरत कैसे मैरिज में सक्सेस होगी।